हेलो, मैं हूं पप्पू और आज इस वीडियो में जानेंगे पेरियार रोग कैसे होता है और पेरियार रोग से बचने का घरेलू उपाय इस वीडियो में हम जानेंगे। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनिए। पेरियार रोग होने का सबसे मेन कारण दांतों मुंहों की अच्छी तरह साफ सफाई न करना। सबसे पहला कारण यही है कि अगर आप दांतों मुंहों को अच्छी तरह साफ सफाई नहीं करेंगे तो यकीनन है कि आपको पेरियार रोग हो ही जाएगा। दूसरा कारण है कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम क्या है? एक पोषक तत्व है और कैल्शियम में दूध, अंडा, मूली, सलगम, केला, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, बादाम इत्यादि चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों का अगर आप धीरे धीरे सेवन करते रहेंगे तो आसानी से आपको पेरिया रोग से छुटकारा मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं कि पेरिया रोग से क्या क्या चीज़ें और भी देखने को मिलता है। दांतों की अच्छी तरह साफ सफाई ना करने के कारण मुंह में बदबू, दांतों में खून आना, मसूड़ों का रंग बदलना, दांतों का सड़ना, दांतों का हिलना, मसूड़ों का फूलना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। और इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपको मैं घरेलू उपाय बताऊंगा। ठीक हो जाएगा आसानी से, बस ट्राई कीजिएगा। घरेलू उपाय नंबर वन है दांतों और मुँहों को बार बार धोएं। कहने का मतलब यह है कि दांतों को खाना खाने से पहले भी धोएं और खाना खाने के बाद भी धोएं, लेकिन अच्छी तरह से धोएं, ठीक है। नंबर टू है गुनगुने पानी में नमक डालकर दिन में 2 या 3 बार धोएं, ओके, जिससे आपको आसानी से छुटकारा मिल पाए। इसके बाद है नीम को पत्तों को आप चबाएं। अगर आपके एरिया में नीम है तो आसानी से नीम के पत्ते भी होंगे, उसे आप चबाते रहिए दिन में कम से कम 2 मिनट 3 मिनट, दिन में 3-4 बार चबाइए, आपको पेरिया रोग से छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद है फिटकरी के पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं, यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद है हल्दी पाउडर में पानी मिलाकर 2 से 3 मिनट तक मसाज करें, ओके। इसके बाद है अमरूद को पत्तों को भी चबाएं, ठीक है। इसके बाद नारियल के तेल से कुल्ला कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपनाने के बाद तभी भी आपको ठीक नहीं होता है तो हमारा सलाह है कि आप डॉक्टर से जरूर दिखलवाएं, ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आसानी से आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।